हिंदू धर्म के पांच महाबलशाली और भयंकर विषधारी नागों के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर पांच पर है करकोटक नाग। करकोटक भगवान शिव के प्रमुख गण और अनन्य भक्त भी थे। जब घोर तपस्या के फलस्वरूप करकोटक ने भगवान शिव के गले में स्थान मांगा तो शिव ने वासु की नाग को पहले से ही उनके गले में होने के कारण उन्हें वह स्थान देने से मना कर दिया, लेकिन भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें शिवलिंग पर स्थान दिया। नंबर चार पर है तक्षक नाग। तक्षक नाग कश्यप ऋषि के पुत्र थे। अर्जुन ने अग्नि बाण से तक्षक नाग के पूरे परिवार को जलाकर मार दिया था। इसी कारण तक्षक नाग उन्हें मारने का बार बार प्रयास करते रहे, लेकिन हर बार श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा की थी। तक्षक को कलयुग के आगमन का कारण भी माना जाता है। नंबर तीन पर है कालिया नाग। कालिया नाग और श्री कृष्ण के युद्ध को कौन नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण कालिया को युद्ध में पराजित कर उसे यमुना नदी से लौट जाने के लिए कहते हैं। नंबर दो पर है वासुकी नाग। वासुकी को शेषनाग का भाई माना गया है। शिवजी द्वारा गले में धारण किए नाग वासुकी ही है। नंबर एक पर है शेषनाग। ऋषि कश्यप और माता कद्रु के ज्येष्ठ पुत्र शेषनाग भगवान विष्णु के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शेषनाग को उनके फन पर सृष्टि का भार उठाने का आशीर्वाद दिया।